अलैकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन वन का पार्ट वन सॉल्व। 101 बेस 2 प्लस 111 बेस 2, इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो उसके लिए हम इसकी एडिशन का तरीका देखते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका, पहले हमने लिख लिया 101 बेस 2, फिर 111 बेस 2, अब हमने इनको ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका सिंपल है, 1 इधर से स्टार्ट करना है, पहले 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन बाहर बेस क्या है 2, तो 2 नहीं, 2 से जो इधर वैल्यू हमने लिखनी है वो 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 से क्या होनी चाहिए छोटी। तो उसके लिए सिंपल तरीका, 1 प्लस 1 क्या है 2, तो जब 2 आए या 2 से ज़्यादा आए तो उसको 2 पे डिवाइड कर लेना है। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 वन ज़ार 2, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर जो है वो हमने यहाँ पे लिख देना है, रिमाइंडर हमने कहाँ पे लिख देना है यहाँ पे, बाकी ये जो बचेगा ये कैरी आ जाएगा और ये अगले स्टेप पे चला जाएगा। ये क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में चला गया, ये जो वन था ये आप देख सकते। उसके बाद फिर बनेगा 1 प्लस 1 2, तो 2 फिर नहीं नीचे आएगा, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 और 0, 0 फिर इधर आ जाएगा और ये 1 फिर इधर आ जाएगा, ठीक है, ये कैरी का जो आ गया। अब क्या बन रहा है 1, 2 और 3, फिर ज़्यादा हो गया, तो अब क्या करेंगे 3 को डिवाइड कर लेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ार 2 और रिमाइंडर भी आ गया 1। तो अब पहले लिखेंगे रिमाइंडर, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए जो लास्ट वाला डिजिट है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 1100। ये आप देख सकते हैं कि इसमें आंसर जो है वो बेस 2 से छोटा है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में, जो हमने पढ़ा था कि बेस 2 के अंदर दो डिजिट्स होते हैं 0 और 1, तो आंसर भी देख लें 0 और 1 की फॉर्म में ही आ रहा है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।